अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब करें, हम आपको लेकर चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपको यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर देते चलें कि चड़ोई चौधरी मोहम्मद जुल्फकार उर्फ कबीर वालिद चौधरी मुंशी चड़ोई माजर कैंप का 12 साल बच्चा मोहम्मद फैजान अपने वालिद को बगैर बताए बगैर सताए या यूं कहा जा सकता है कि बगैर किसी आजमाइश में डाले मालिक हकीकी से जा मिला। नाज़रीन, मोहम्मद फैजान अपने छोटे दोस्त के हमरा आम रूटीन में चरागाह में गया, जहां बेड़ जिसे हम अपनी जुबान में डडार कहते हैं का बसेरा था। बेड़ से छेड़छाड़ की सूरत में कुछ बेड़ ने नन्हे फैजान को काट लिया। बच्चे ने घर आकर कुछ न बताया। रात को माँ को पता चला, बाप को भी बताया गया, मगर वालदेन ने सुबह का इंतज़ार करने का सोचा कि सुबह किसी डॉक्टर को चेक करवाएंगे। नाज़रीन, बच्चे ने भी डर की वजह से खामोशी की चादर से खुद को डांप लिया कि वालद से डांट पड़ेगी। बस किसी को क्या पता था कि इस घर में मातम की दरियां बिछने को तैयार हैं। नाज़रीन, बस सब सो गए। नाज़रीन, सुबह हसब रूटीन माँ ने सब बच्चों को नमाज के वक़्त उठने के लिए आवाज़ दी। बाकी बच्चे तो उठे, मगर नन्ना फैजान तो अबदी नींद सो चुका था। कब किस वक़्त किसी को पता भी ना चला। नाज़रीन, अपने बच्चों का ख्याल रखें, इन पर नज़र रखें और इतना भी ना डराएं कि वो जो हमें बताने वाली बात हो वो भी घर आकर ना बताएं। अल्लाह पाक सब के बच्चों को अपनी अमान में रखे और मोहम्मद फैजान के वालदेन को सब्र जमील और इस सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ऐसे बेड़ जो मिट्टी का गोल छत्ता बनाते हैं, इनमें से सिर्फ दो बेड़ के काट लेने से बर वक़्त डॉक्टर से रजू ना करने पर मौत वाकया हो जाती है। इसलिए अपना देसा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी भी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।